फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप लोग सभी अच्छे से हैं। आज की वीडियो है ये पत्थर चट्टा प्लांट के ऊपर। ये पत्थर चट्टा प्लांट विंटर में खिलने वाली फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत अच्छी तरह मेरे गार्डन में ये ब्लूमिंग हो रही है। ये देखिए, ये है इसकी फ्लावर और बहुत अच्छे लगते हैं जब एक साथ इतने सारे फ्लावर्स एक साथ ब्लूम करते हैं। और अभी ब्लूमिंग करना शुरू हुई है। और ये जो रेड कलर की देख रहे हैं आप, ये है बर्ड्स, जो मुझे तो देखने में ग्रेप्स की तरह लगते हैं और एक साथ ब्लूमिंग करने पे ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ये देखिए, यहाँ पर भी ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है। और मेरे ये जो प्लांट है ये पिछले साल से है, तब इसमें फ्लावरिंग नहीं हुए थे। आप लोग शायद इस प्लांट को ख्याल किए थे क्योंकि तब मैं पाउडर पफ के ऊपर वीडियो की थी और उसके नीचे ही ये छोटा सा प्लांट था पत्थर चट्टा की, और वही प्लांट आज बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर एक ही पॉट में मेरे ये दो प्लांट हुए हैं। पत्थर चट्टा के प्लांट के लीव्स पहले ग्रीन रहते हैं और फ्लावरिंग सीजन में इसकी लीव्स रेड कलर हो जाते हैं। इसकी जो ये बर्ड्स आप देख रहे हैं रेड कलर की लग रहे हैं, ये जब पहले कुछ दिन पहले इस तरह ग्रीन थे, अभी ब्लूमिंग की टाइम है तो ये ऐसे रेड कलर बन गए हैं। और ये है इस फ्लावर की ब्लूमिंग। ये देखिए इसके फ्लावर, जैसे घंटी की तरह। ये देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये ब्लूम किए हैं। और ये जब सारे हैं ग्रेप्स की तरह, ये अभी भी बर्ड्स है, बहुत सारे बर्ड्स है देखिए। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ, देखिए दोनों प्लांट की ब्लूमिंग हो रही है। सामने ही है मेरे पाउडर पॉप की प्लांट, इसकी भी ब्लूमिंग बहुत अच्छी हो रही है। और ये दोनों प्लांट एक ही पॉट में है। ये देखिए, मैंने जब पिछले साल पाउडर पॉप की फ्लावरिंग दिखाई थी तब ये प्लांट बहुत छोटे थे। ये देखिए, ये है पाउडर पफ की स्टेम और ये है पत्थर चट्टा की स्टेम। यहाँ पर दो प्लांट है, ये और एक प्लांट। तो ये दोनों प्लांट एक साथ ही रहे हैं, लेकिन मैं अब इन दोनों प्लांट को हटा दूँगी। इस पॉट में एक ही प्लांट रहने दूंगी क्योंकि ये जो पत्थर चट्टा की प्लांट है ये मेरे पाउडर पफ की प्लांट को मार सकते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों में से एक को हटा दूंगी फ्लावरिंग होने के बाद। पत्थर चट्टा प्लांट की प्रोपगेशन करना बहुत ही ईजी है। ये जो किनारे आप देख रहे हैं लीव्स के, इसी साइड में ही न्यू प्लांट्स ग्रो होती है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे हुआ है सभी लीव्स में इस तरह से न्यू प्लांट्स से भर जाते हैं। ये देखिए, और ये जहाँ कहीं भी गिर जाएगी वहीं पर ही ये सर्वाइव कर जाएगी। अगर आप इसे किसी सीमेंट के ऊपर भी रख देते हैं तो वहीं पर भी
ये सर्वाइव कर जाएगी। इस प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, आप हफ्ते में एक बार पानी देंगे तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगी। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लीव्स गिर के न्यू प्लांट्स ग्रो हुए हैं और ये इस प्लांट में भी फ्लावरिंग होने वाले हैं। ये देखिए ये अभी ग्रीनिश है, फ्लावरिंग कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी और तब ये बर्ड्स रेड कलर की बन जाएंगी। इस साइड में भी है, किसी में पॉट में आप इसकी लीव्स या लीव्स के किनारे के जो न्यू प्लांट्स है वो लगा देते हैं तो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर जाएगी। वेरी इजी टू ग्रो है ये प्लांट और ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता। पत्थर चट्टा एक साकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और इसे पथरी की रोग में बहुत काम आते हैं। तो अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में रखते हैं तो इसकी फ्लावरिंग तो होगी ही और ये गार्डन की खूबसूरती भी बरकरार रखेगी। ये देखिए मैंने एक बटल में भी छोटा सा एक प्लांट लगाई थी और ये बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसकी छोटे से प्लांट को लगा दीजिए तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो कर जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स भी कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए कि मेरे आने वाले जितने वीडियोस हैं और उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।